आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बॉटम ऑफ ग्लास बीकर है जो कि थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस से बना है, बॉटम साइड जो कि सिल्वर है। अब वाटर से उस बीकर को हम भर देते हैं, एच की वैल्यू 4 मीटर है। तो हमें जो पूछा गया है कि जो मिडिल पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ वाटर है उसका जो इमेज है वो उससे कोइंसाइड करता है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 दिया गया है। तो हमें पता है कि ये कुछ इस तरह होगा, ये हो गया हमारा इक्विकॉन्वेक्स लेंस और ये वाला साइड सिल्वर कर दिया गया है। और यहां से हमें पता है कि ये 4 मीटर तक भर दिया गया है। तो ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसका कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वो हो गया ये 4 मीटर, लेकिन उसके पहले शिफ्टिंग होगा ऑब्जेक्ट में, तो वो हम देख लेते हैं। तो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर हटाते हैं। तो हमें पता है कि 4 मीटर तक हम जो है भरते हैं पानी। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका इमेज जो है वो उसी जगह पे बन रहा है, तो पहले हम इस लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। तो ये हो गया 1/F1 इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, यानी कि 3/2/4/3, ये हो गया 3/2/4/3 -1 और ये हो गया 2/R। और मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा हमारा R/2 इज इक्वल टू F2। तो जो ओवरऑल पावर हो गया वो हो गया हमारा 2 × power of lens + power of mirror, ये हो गया टोटल पावर। तो ये आ जाएगा हमारा, तो यहां से जो फोकल लेंथ आ गया वो हो गया -2/5 R। अब क्योंकि जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम जगह बन रहा है, तो ये जो फोकल लेंथ हमारा दिया गया -2/5 R, ये हो जाएगा, इसका अगर डबल्स करेंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ जाएगा, और जो कि हमें दिया गया है 4 मीटर, तो ये हो गया 2/5 R × 2 = 4। तो R की वैल्यू हो गई 5 मीटर, ये हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।